हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। बोलना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ड्रॉ विद विशाल पे नहीं है, इसी चैनल पे हैं आप। और ये आर्ट आपने खूब पसंद की, सब लोगों ने इसका स्मोक इफेक्ट काफ़ी पसंद किया और स्किन टेक्सचर बहुत पसंद किया, तो दोनों पे ही वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। लेकिन इतनी सारी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने कोशिश की है रियल टाइम वीडियो रखने की, जिससे आप लोग प्रोसेस और टेक्निक को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मैंने हाथ क्या मूवमेंट्स कैसे किया है, इसलिए मैं रियल टाइम ही रखना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। वैसे मैं बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश मेरी रहती है, जिसमें मैं कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा सिखा पाऊँ, बट रियल टाइम की रिक्वेस्ट आते रहती है। और स्मोक इफेक्ट पे भी रियल टाइम का आप लोगों ने बहुत बोला कि रियल टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैं रियल टाइम में लेके आया हूँ और मुझे लगता है आप इससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक रुपए के रबर, तो ये रबर तो मुझे इस पैक के साथ मिला था, बट आप ये एक रुपये वाला जो रबर मिलता है हमें उसी की तरह है, और कॉर्नर मैं यूज़ कर रहा हूँ शार्प हाइलाइट्स देने के लिए। जितनी भी शार्प हाइलाइट्स आपको देनी है वो आप इजीली दे सकते हो इससे, कॉर्नर्स जो हैं उनका यूज़ करके। और धीरे धीरे जो इरेज़र है वो गंदा होते जाता है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो भी आप ग्रेफाइट बैकग्राउंड करें वो इवनली हो, थोड़ा भी उसमें वाइट कहीं और ना दिखे, क्योंकि जब आप इरेज़र का हाईलाइट डालोगे तो वो ज़्यादा पॉप करके आएगा। और जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, जिस तरीके से देखिए मैं इरेजर को मूव कर रहा हूँ, तो ये इरेजर की हालत तो बिल्कुल काली हो गई है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, जब ऐसा काली हो जाती है तो हम आर्टिस्ट लोग ऐसे ऐसे करके उसको निकाल देते हैं, और जो वाइट वाला पार्ट नया आता है हमको लगता है इरेजर नया हो गया। बिल्कुल आपको यही करना है, जब भी आपको हाईलाइट्स देनी है इसी बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप इस इरेजर को यूज़ कर रहे हैं किसी भी हाईलाइट्स या कोई भी इफेक्ट देने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है जब भी आप शार्प हाईलाइट देना चाहते हैं, जब आप ब्राइट हाईलाइट देना चाहते हैं, तो इरेजर को जो ये काला हो गया है उसको आप हल्का सा स्लाइसिंग कर लें या उसको हल्का सा शार्प कर लें, उसके एजेस थोड़े से शार्प कर लें, उसके बाद आप इरेज करेंगे। तो जैसे तेज धार वाली जो ब्लेड होती है ना, खत से काट देती है, वैसे वो खत से बना देगा। और जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फ्लो होता है और कुछ डेफिनेट नहीं होता, जैसे आप ट्री बना रहे हैं तो ट्री के ब्रांचेस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, इसी तरीके से स्मोक का जो डायरेक्शन है वो भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ़्लो को समझ पाऊँ, और फ्लो को समझते हुए मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ इस समय, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि फ़ोटो टू फ़ोटो कॉपी करना। अगर आप फ़ोटो टू फ़ोटो कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि मैं फ़ोटो टू फ़ोटो कॉपी ना करूँ, और समझने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से फ़्लो हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है स्ट्रोक्स, जैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से मैं इरेजर को चला रहा हूँ, कभी तेज प्रेशर दे के कभी लाइट प्रेशर दे के, और इससे काली भी हो जा रही है पूरी, तो बीच बीच में साफ़ करते रह सकते हैं आप। चाहे तो पेपर का यूज़ कर सकते हैं, सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, या आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं उसको स्लाइस करने के लिए, तो जैसा भी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं मेथड। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये तो ब्लैक बैकग्राउंड पे इन्होंने बता दिया, बट हमें अगर वाइट पेपर पे बनाना हो तो क्या होगा। तो यार सिंपल है, मैं
अगर आपको, मैंने बनाया नहीं है बट मुझे ये बहुत ही ऑब्वियसली पता है कि आपको जिस तरीके का मेथड मैंने इसमें यूज़ किया है ठीक वही मेथड यूज़ करना है आपको। स्क्वायर ब्लॉक लेना है चारकोल का और उसके बाद आप उसमें जिस तरीके से मैं इरेज़र को चला रहा हूँ उस तरीके से ही स्क्वायर ब्लॉक को चलाना है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आप चाहें तो थोड़े बहुत टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस इरेज़र को, जैसे ब्लॉक इरेज़र आप लेके उसे चारकोल में रब करके भी कुछ ट्राई कर सकते हैं और उससे भी वैसा ही अप्रॉक्सीमेटली इफ़ेक्ट आ जाएगा। इन केस अगर वैसा ब्लर इफ़ेक्ट आने में प्रॉब्लम होती है जैसा कि आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं जो इरेज़र से मैंने दिया है, तो आप स्मजिंग का यूज़ करके वहाँ पे वैसा ब्लर इफ़ेक्ट ला सकते हैं। जो और जो भी शार्प एजेस हैं वो आप बहुत ही आसानी से ब्लैक चारकोल स्टिक से पा सकते हैं। तो वाइट पेपर पे भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम वाइट से भी आपको स्मोक बना के दिखा दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा सा स्मोक बन जाए तो मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझे टैग कर देना। ड्रॉ विद विशाल इंस्टा आईडी है मेरी, और यार सब्सक्राइब तो कर दो यार चैनल को, नहीं तो समझ रहे हो यार मोटिवेशन लूज हो जाता है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, लाइक नहीं आते, तो यार